महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुख्यमंत्री बनने को लेकर जो पेच फंसा हुआ है उसका खुलासा, उसका कोई निराकरण अभी तक नहीं हो पा रहा है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की धमकी दे दी है। इधर शिवसेना ने भी कहा है कि अपना मुख्यमंत्री बनाकर दिखाएंगे। कुल मिलाकर शिवसेना के कड़े रुख को देखते हुए भाजपा ने शुक्रवार को शिवसेना भाजपा गठबंधन सरकार नहीं बन पाने की स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने के संकेत भी दे दिए, जबकि शिवसेना अब भी 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद की अपनी मांग पर अड़ी हुई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने साफ कह दिया, इस बार शिवसेना अपना मुख्यमंत्री बनाकर दिखाई। माना जा रहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने के संकेत भाजपा ने शिवसेना को समझाने के अंतिम अस्त्र के तौर पर दिए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और निवर्तमान सरकार में वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने शुक्रवार को एक चैनल से बात करते हुए राज्य की जनता से सरकार बनाने का जनादेश भाजपा, शिवसेना और अन्य मित्र दलों के महागठबंधन को दिया है। भाजपा इसे सरकार बनाने का पूरा प्रयास कर रही है और 100% ऐसी सरकार बनेगी, लेकिन यदि सरकार नहीं बन पाई तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने से इनकार नहीं किया जा सकता। शिवसेना 2.5 साल के सीएम पद की मांग पर अड़ी है। शिवसेना ने यह भी कहा कि साहब मत पालिए अहंकार को, इतना वक्त के सागर में कई समंदर डूब गए। इस शेर में उन्होंने साहब किसे कहकर संबोधित किया यह स्पष्ट नहीं हो सका। कुल मिलाकर शिवसेना ने भाजपा को जो तेवर दिखाए हैं उसके बाद भाजपा नेता भी हैरान है कि आखिर उनके सहयोगी शिवसेना गठबंधन को हुआ क्या है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड press the bell icon for more updates.